हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइड जिप के साथ पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस प्लाजो के फ्रंट में बेल्ट आएगी और बैक साइड में इलास्टिक आएगी। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, क्योंकि इसके बॉटम में मैंने डिज़ाइन बनाना है, इसीलिए फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। सबसे पहले कपड़े की चौड़ाई को हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे। कपड़े की खुली वाली साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्क लगाया है, क्योंकि इसकी कन्नी हम कटिंग और स्टिचिंग में नहीं लेंगे। इसके टॉप साइड पर 1.5 इंच की बेल्ट आएगी। इसके बाद प्लाजो की लंबाई की मार्किंग करेंगे हम, तो जितनी आप तैयार लंबाई चाहते हैं उसमें से 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। मेरे मेजरमेंट में तैयार प्लाजो की लंबाई है 36 इंच, उसमें से 1 इंच माइनस करके यहाँ पर 35 इंच पर मैंने निशान लगाया है। इस निशान को हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद पोंचे की फोल्डिंग के लिए मैंने नीचे की तरफ 3 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद हम प्लाजो के आसन की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर साइड जिप वाला जो प्लाजो रहता है उसमें आसन ज़्यादा लूज नहीं पहना जाता, इसीलिए हिप राउंड को हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें से 1 इंच माइनस करके यहाँ पर हम आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करने पे आएगा 9.5 इंच और उसमें से 1 इंच माइनस करके यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया है। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और इसी निशान पे हम अपने हिप मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे। हिप राउंड को हम 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें लूजिंग डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सिंपली 4 से डिवाइड करके यहाँ पर मार्क करेंगे तो यहाँ पर हिप मेजरमेंट में ये टाइट हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग डाली है और इस निशान को हमने ऊपर स्ट्रेट कर लिया है। अब इसके बाद आसन की गोलाई का निशान लगाएंगे हम 2 इंच पर और यहाँ पर इस तरीके से आसन की गोलाई डालेंगे। अगर आपका हिप राउंड 38 इंच से ज़्यादा है तो उसमें कितनी लूजिंग डालनी है वो मैंने स्क्रीन पर बताया है। इसके बाद घुटने की लंबाई का निशान लगाया है मैंने 18 इंच पर। अगर आपकी हाइट कम है तो आप ये निशान 17 इंच पर लगाएं। इसके बाद प्लाजो में डार्ट्स डालने के लिए हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो मैक्सिमम विड्थ है वो है 13 इंच की। इसका सेंटर मार्क करेंगे हम, जो आएगा 6.5 इंच पर, और 6.5 इंच पर हम पूरे में सेंटर मार्क कर लेंगे और इन निशानों को हम ऊपर स्ट्रेट ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हम डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। तो डार्ट्स की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 1 इंच, तो यहाँ पर 1/2 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे और 1/2 इंच दूसरी तरफ, और यहाँ पर जो डार्ट्स की लंबाई है वो है 4.5 इंच की। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। सेम इसी तरीके से हम नीचे वाले कपड़े पे भी डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद हम पोंचे की मार्किंग करेंगे। तो पोंचे की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 7 इंच की रखी है, तो 3.5 इंच मैंने यहाँ पर दोनों तरफ मार्क कर लिया है। इसके बाद पोंचे वाले निशान को हम आसन वाले निशान से मिला देंगे। इसके लिए शेप पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब दूसरी तरफ के निशानों को मिलाने के लिए शेप पट्टी को हम पलट लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से दोनों निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ से हमारा कॉर्नर नहीं आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से हम इसको गोलाई डालेंगे। इसके बाद अगर आप प्लाजो को घुटने से थोड़ा लूज फिट में रखना चाहते हैं तो आप इन्हीं मार्किंग्स पे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा फिटिंग में चाहते हैं तो दोनों तरफ यहाँ पर 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर आसन वाले निशान से और पोंचे वाले निशान से मिला देंगे। इसके बाद कटिंग के लिए इस पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे, जब हम इसका बैक पैनल कट करेंगे। यहाँ हम सिर्फ इसको आसन वाली साइड से ही कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्लाजो के फ्रंट पैनल्स की कटिंग मैंने कर ली है। इस पार्ट की कटिंग हम बैक साइड के साथ करेंगे। तो यहाँ पर इसको उठाएंगे, नीचे की तरफ जो फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसको रखेंगे। पैन प्लाजो में जो बैक पैनल रहता है वो हमेशा एक्स्ट्रा कट किया जाता है प्रॉपर फिटिंग के लिए। तो देखिए, यहाँ पर 3 इंच ऊपर की तरफ मैंने एक्स्ट्रा मार्क लगाया है। उसके बाद आसन के निशान को, घुटने के निशान को और पोंचे के निशान को मैंने स्ट्रेट कर लिया है। फ्रंट पैनल की कटिंग में हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया था, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा वो हम बैक पैनल में लेंगे। बैक पैनल के पोंचे को हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पर घुटने से इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और आसन को यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। इन निशानों को मिलाने के बाद हम बैक पैनल के आसन की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो फ्रंट का आसन है इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे ऊपर की तरफ और इसके बाद हम बैक के आसन की गोलाई डाल देंगे।
अब बैक में जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है उसको हम इस तरीके से मिला देंगे। बैक के आसन को आप 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। इसके बाद इन मार्किंग्स पे हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बैक पैनल के आसन की कटिंग करने के बाद यहाँ पर फ्रंट और बैक को हम एक साथ कट करेंगे। इस तरीके से कटिंग करने से पैन प्लाजो की साइड की सिलाई एकदम फिनिशिंग के साथ आती है। तो देखिए यहाँ पर कटिंग करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले यहाँ पर हम इसके डार्ट्स डाल लेंगे। इसको हम सेंटर वाले मार्क से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से जो डार्ट की मार्किंग्स है उस पर स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों पैनल्स पे मैंने डार्ट्स डाल लिए हैं। इसके बाद फ्रंट के पैनल्स पे हम आसन की सिलाई लगा देंगे। आसन की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जिप लगाने के लिए हम एक पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर से 5 इंच पर हम मार्क लगाएंगे, यहाँ तक हमारी जिप आएगी। तो जिप लगाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच की है और इसकी लंबाई मैंने एक्स्ट्रा रखी है जिसको हम बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पर एक पैर के मार्जिन से इस पट्टी को हम इस निशान तक स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे। इस पट्टी को लगाते टाइम ध्यान रखें कि ये पट्टी आप प्लाजो के लेफ्ट साइड पर ही लगाएं, क्योंकि जिपर हमेशा लेफ्ट साइड पर ही आता है प्लाजो का। इसके बाद पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। फ्रंट पैनल में पट्टी लगाने के बाद हम बैक पैनल को रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम बैक के आसन की सिलाइयाँ लगा लेंगे। बैक पैनल में आसन की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम जिप के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ फ्रंट में जो हमने पट्टी लगाई थी वो 5 इंच तक लगाई थी और सेम 5 इंच तक हम बैक पैनल पर मार्क कर लेंगे। इसी निशान से हम जिप लगाना शुरू करेंगे। तो जिप हम सबसे पहले बैक पैनल के साथ अटैच करेंगे। जिप की सीधी साइड को हम कपड़े की सीधी साइड पर रखेंगे और देखिए जो हमने 5 इंच पर मार्क लगाया था वहाँ से हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। इसके बाद जिप को सीधी साइड टर्न करने के लिए हम यहाँ पर कट लगाएंगे और जिप को इस तरीके से सीधी साइड टर्न करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच लगाते टाइम ध्यान रखें कि ये स्टिच आपका जिप के ऊपर ना आए। ये स्टिच लगाने के बाद बैक पैनल के साथ जिप अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद इसको हम फ्रंट पैनल के साथ स्टिच करेंगे। उसके लिए पहले हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पोंछे वाली साइड से हम साइड की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। फ्रंट और बैक पैनल के फैब्रिक को हम यहाँ पर बराबर रखेंगे और इस तरीके से एक पैर के मार्जिन से पूरे साइड पर सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक पैनल पे जो हमने 5 इंच पर निशान लगाया था उसको हम इस तरीके से यहाँ मैच करेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक स्टिच करने के बाद सिलाई को हम इस तरीके से लाएंगे और ऊपर तक इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पर सिलाई को हम अच्छे से पक्का करेंगे और इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे। इसके बाद हम पट्टी के ऊपर स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच लगाते टाइम ध्यान रखें कि जो जिपर का फैब्रिक है इसके नीचे स्टिच होना चाहिए। पट्टी के साथ जिपर अटैच हो चुका है। ये प्लाजो की बैक साइड रहेगी। फ्रंट साइड पे ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इस तरीके से जिप अटैच करने से पहनने के बाद प्लाजो की साइड से ये नजर नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये प्लाजो की फ्रंट साइड है। यहाँ पर ये स्टिच हमारा पट्टी के ऊपर और जो जिपर का फैब्रिक है उसके ऊपर आएगा। जो हमने 5 इंच तक मार्क लगाया था वहाँ तक इस स्टिच को लाएंगे और इस तरीके से इसको यहाँ पर मोड़ के पक्का कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जिपर अटैच हो चुका है। अब इसके बाद ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा जिप है इसको हम कट कर लेंगे और प्लाजो के फ्रंट साइड पे हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी बुकरम ली है और इसकी लंबाई यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है, क्योंकि यहाँ पर हम हुक लगाएंगे। बेल्ट को पहले हम कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर बुकरम का डबल प्लस उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे दोनों तरफ फोल्डिंग के लिए।
तो यहाँ पर जो साइड पर एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा उसको हम इस तरीके से प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से फोल्ड करने से हम सिंगल स्टिच के साथ ही इसको प्लाजो के साथ अटैच कर लेंगे। स्टिचिंग के लिए देखिए जो फ्रंट पैनल है उसको हम इस तरीके से अंदर रखेंगे बेल्ट के और यहाँ पर सिंगल स्टिच के साथ ही इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर प्लाजो का हम आधा इंच का मार्जिन बेल्ट के अंदर रखेंगे और ये स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच लगाते टाइम ध्यान रखें कि जो बेल्ट के नीचे का फैब्रिक है वो भी स्टिचिंग में आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरे में हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। जो बेल्ट यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा रखी है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे हुक के लिए। तो देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है फ्रंट और बैक साइड से। बेल्ट की एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ स्टेपल कर लिया है, यहाँ पर बाद में हम हुक लगाएंगे। इसके बाद बैक पार्ट में इलास्टिक डालने के लिए हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट की जो सिलाई आ रही है वहाँ तक हम इसको मार्क कर लेंगे। पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर मैंने इलास्टिक का डबल प्लस उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है फोल्डिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो मार्क लगाया था वहाँ से हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करेंगे और पूरे बैक पैनल में 1/2 इंच के मार्जिन से इसको अटैच कर लेंगे। कटिंग और स्टिचिंग में इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हैं। अगर आप इस तरीके से प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आपका प्लाजो एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर आपको अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो देखिए यहाँ पर पूरे बैक पैनल के साथ मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया है। पट्टी स्टिच करने के बाद हम प्लाजो के साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ नीचे पोंचे वाली साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ऊपर तक इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ फ्रंट और बैक की सिलाइयाँ इस तरीके से मैच करेंगी और जो इलास्टिक के लिए हमने पट्टी लगाई है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद पट्टी को हम सीधी साइड पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी अटैच हुई है और यहाँ पर बिल्कुल भी रॉ एजेस नहीं है। इसके बाद हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक हम कमर के नाप के अकॉर्डिंग डालेंगे। मेरे मेजरमेंट में कमर है 28 इंच की। कमर के नाप का हम आधा लेंगे और उसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे। इलास्टिक पर 12 इंच पर मैंने मार्क लगा लिया है। अब इसको इस तरीके से अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर से इसको पक्का करेंगे। अब सिलाई को हम 1/2 इंच पहले ही रोक लेंगे और इलास्टिक पर जो हमने 12 इंच का निशान लगाया था उसको खींचकर हम बाहर निकाल लेंगे। इस निशान से हम इलास्टिक को कट कर लेंगे। अब देखिए जो 1/2 इंच पहले हमने सिलाई रोकी थी वहाँ तक मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है। उसके अंदर हम इलास्टिक को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इलास्टिक को अच्छे से पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद यहाँ से इलास्टिक स्ट्रेच नहीं होगी और इसी के ऊपर हम हुक के लिए आई लगाएंगे। यहाँ से अच्छे से पक्का करने के बाद हम इलास्टिक को स्ट्रेच करेंगे। आप चाहें तो इसके सेंटर में सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेच करने के बाद कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक इंसर्ट हो चुकी है। इसके बाद प्लाजो के इनर लेग साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक पैनल को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे और पूरे में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाते टाइम फ्रंट और बैक पैनल के आसन इस तरीके से मैच करने चाहिए। आसन से सिलाई को हम अच्छे से पक्का करेंगे और पूरे स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद पैन प्लाजो के पोंचे को फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पैन प्लाजो के पोंचे पे मैंने तुरपाई कर ली है और इसके बाद यहाँ पर मैंने हुक और आई भी अटैच कर दी है। इसी के साथ हमारे पैन प्लाजो की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसका बैक पार्ट जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था वो इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और ऐसे ही और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।